हेलो फ्रेंड्स, मैं मुन्नी देवी, आप सभी का बिहारी फूड रेसिपी चैनल में सभी का स्वागत है। आज मेरा फर्स्ट बार वीडियो चैनल पर आ रहा है। इसका रेसिपी लिट्टी चोखा है। आगे वीडियो में बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर। ये है सत्तू, लिट्टी चोखा बनाने जा रही हूँ। और ये है भंटा, आलू और टमाटर। मैं ना लिट्टी चोखा बनाऊंगी, आज बना के बताऊंगी। और ये है लहसुन, हरा मिर्च और अदरक, काली मिर्च और मंगरेला ज्वाइन, और मैं इसमें मिक्स करूंगी और बनाऊंगी। और ये आटा रखी हूँ यहाँ, और मैं जा रही हूँ लिट्टी बना के बताती हूँ। और ये है नमक और ये है तेल, ये ना मैं इसमें सत्तू में मिक्स करूंगी और बनाऊंगी लिट्टी चोखा। वीडियो में आप लोग बने रहिए। इसमें सबसे पहले लहसुन डालती हूँ, और उसके बाद हरा मिर्च, और उसके बाद अदरक, और उसके बाद काली मिर्च, और फिर उसके बाद मंगरेला ज्वाइन, उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार नमक डालती हूँ। उसके बाद तेल डालती हूँ, और उसके बाद इसको मिक्स कर लेती हूँ। सारा चीज मैंने मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी। और हल्के हाथ से मैं सत्तू, अब देखिए मेरा सत्तू तैयार हो गया। मेरा सत्तू बहुत अच्छे से तैयार हो गया। अब इसको मैं इधर रख देती हूँ। और आटा मैं गूंद लेती हूँ। आटा गूंद के तैयार हो गया है। अब मैं इसका लिट्टी बनाऊंगी। अब मैं गोल गोल लोइया बना रही हूँ, और इसको ऐसे करके इसमें सत्तू डालूंगी। ऐसे ऐसे मैंने कर लिया है, और इसको सत्तू में डालूंगी इसमें। सत्तू डालकर और इसको ऐसे गोल बना लूंगी, और ये मैंने गोल बना लिया है, गोला बना लिया है। ऐसे अब मैं और लिट्टी बना लूंगी गोल गोल, और सारे लिट्टी बना लूंगी। और उसके बाद मैं देखिए ये लिट्टी मेकर है, इसमें मैं लिट्टी बनाऊंगी, और भंटा पकाऊंगी। ये भंटा है, और मैं गैस ऑन करके और भंटा उसमें पका रही हूँ। आगे वीडियो में बने रहें। और गैस को गैस ऑन कर दिया है, और उसके बाद धीरे थोड़ा गर्म हो जाएगा, उसके बाद लिट्टी में डालूंगी। अब पैन मेरा गर्म हो गया है लिट्टी मेकर, अब इसमें मैं लिट्टी डालूंगी। लिट्टी में डाल ली हूँ, और इसके बाद टमाटर पका रही हूँ चोखा लगाने के लिए। और बैंगन मैंने पका लिया है, और अदरक और लहसुन मैंने काट लिया है, हरा मिर्च, इसको चोखा बनाऊंगी।
मेरा टमाटर पक गया है और बैंगन पक गया है। अब इसको ठंडा पानी में डालकर और इसका छिलका मैं उतार लेती हूँ ऐसे बैंगन का छिलका उतार लेती हूँ। अब मैं टमाटर का भी छिलका उतार ले रही हूँ, पकाई हूँ तो थोड़ा जल गया है, अब इसका छिलका उतार के और इसमें डालूंगी और इसके बाद आलू भी डालूंगी इसमें। अदरक और उसके बाद मैं लहसुन कुटा हुआ डाल रही हूँ और अदरक और उसके बाद हरा मिर्च और मैं ये नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक मैंने डाल लिया है और उसके बाद सरसों का तेल डाल रही हूँ, ये भी डालूंगी स्वाद अनुसार और उसके बाद मैं फिर चोखा बनाकर रेडी कर ले रही हूँ। हमारा अब चोखा बनकर रेडी हो गया है, अब इसको मैं रख लेती हूँ और वीडियो में बने रहे। अब मैं लिट्टी मेरा पक रहा है और 10 मिनट में लिट्टी 5 मिनट में रेडी हो जाएगा, लिट्टी मेरा रेडी हो जाएगा, उसके बाद वीडियो में बने रहे आगे। अब मेरा लिट्टी रेडी हो गया है बनकर, अब इसमें मैं घी ले ली हूँ, घर का घी है और इसमें मैं लगा देती हूँ। सारे लिट्टी में मैं घी लगा के रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद आगे दिखाऊंगी मैं वीडियो में बने रहे। लिट्टी चोखा रेडी है और ये आप लोग बनाकर घर पे खाइए, ऐसी रेसिपी बहुत अच्छा लगता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। और वीडियो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आगे भी मैं डालूंगी और सारे कुछ कुछ रेसिपी बनाकर। और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।